मैं कुंज को सवेली से चाने लूंगा। बार बार धोगी तो तेरे हाथों की मेहंदी उतर जाएगी। तो फिर लगा लूंगी। आप दूसरी शादी कर लो, किस्मत में होगी तो औलाद हो ही जाएगी। दूसरी शादी? बस छोरी कारी नहीं तो रईस ने कह दियो कि मोसन के खून के एवजे में माने कूंज को दे दे, तो माँ उसे अठे कुत्तों के साथ करा। कल पहन करा, कल रात को। बीबी, ये साई ने दिया, मैंने नहीं लिया। अल्लाह कसम साई, साई बोलो ना। बीबी, खुदा का वास्ता मुझे जाने दे। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? हाँ बाबा, आप ही अम्मा को समझाओ ना, हवेली जाने के लिए बहुत जिद कर रही है। अरे मेरी दी, मेरी सोनी कुंजल। गुलशन है? और गुलशन क्यों मर रही है, क्यों रही जा रही इतना? और क्या खुशियां मनाऊं मां, मिठाइयां बांटूं कि मारा मियां दोबारा से इस पे बैठूं? एक महीना पहले दुल्हन घर लाई। कौन कह रही है, नवाज अली की दूसरी शादी कराऊं? अम्मा ऐसा करो और ऐसा हो गयो। हाँ? अम्मा से कोई उम्मीद ही नहीं। ऐसा ना हो सके। ऐसा नहीं हुआ तो तैं सबके सामने इनकार क्यों नहीं करया? किस बात का इनकार? दूसरी शादी को और किस चीज को? दुल्हना, दुल्हना, मैं तन्ने खैरात ने सदके का अनाज अलग करने को किया था। के बात है, लड़े हो दुल्हन से? मां क्यों लड़ने लगा? हाँ तो अम्मा थारी बात पे रोना धोना शुरू कर दी हुए। मारी बात? मारी कौन सी बात? गुलशन बता दे। तैं नहीं कह सको अम्मा, तैं अपने बेटे के खून के बदले में थारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? क्यों थारी जिंदगी क्यों बर्बाद होने लगी? अम्मा तू मारी दूसरी शादी क्यों करा रही है? मैं इन्हें समझाया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहे हुए, फजूल में परेशान मत। तो क्यों क्यों ना ये होएगा? ऐसो होएगा, जरूर होएगा। खादिम हुसैन से हम बदला लेके रहेंगे और एवजे में उसकी चोरी कूंज आएगी। इधर मारो मारो प्यारो बेटो मोसन,
लाले प्यार हो गयो तब तन्ने ही उस छोरी कून से शादी करनी पड़ेगी ना। सुने सुने तन्ने? हाँ हाँ, डंका की चोट पे कह रही हूँ, डंका की चोट पे। डरू नहीं किसी से, न थारे से, न थारे ही मिया से। न लोग दूसरी शादी नहीं करे जो तू इतने पेच ताप खा रही है। चार चार शादियां करे मर चार चार, या तो ही बोल के तारो ही लंबो तड़ंगो मिया मर्दी नहीं है। अम्मा अम्मा क्या हो गया तन? जो मुंह में आ रहा बोले जा रही है, बोले जा रही है। हाँ तो तारे दादा ने तीन शादियां की और तारे नाना ने। खुदा को वास्तो चुप कर, खामोश हो जा। तो फिर बता दे अपनी इस रानी ने, एवजे में आई उस छोरी कुंज से तन्ने शादी करनी होगी। ऐसा होए ना मैं इगर में नीरो। ए ए दुल्हन, इस हवेली में जो छोरी एक बार दुल्हन बन के आवे ना, तो उसकी लाश ही बाहर जावे इधर से। आ बात कभी मत भूलना। रमावे पे लाना थे। और ये फैसला मैंने अकेले नहीं किया, सारा खानदान वहां बैठा हुआ था, तुम्हारा भाई यासीन भी था वहां। लेकिन ये बात मैं हरगिज नहीं मानूंगी, मेरे बेटे कारी नहीं है। ये बात मैं अलग अलग सारे खानदान में कहूंगी। खबरदार जो किसी के सामने जबान खोलिए, जबान खींच दूंगा। अरे ये कैसा बाप, इससे बेहतर था कि अपनी बेटी का गला अपने हाथों से खुद गोद लेता। इस तरह की बदनामी तो उसे ना देता। कैसे बदनामी नहीं होगी खानदान में कि खादम हुसैन की बेटी बद चलन थी। अम्मा बस, बड़ों ने जो फैसला कर लिया अमल उसी पर होगा, बस। तू कौन होता है हमारा फैसले करने वाला? ये सब क्या दराया तुम्हारी वजह से? आज तुम्हारी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना गुची किए सबकी। अपनी सगी बहन को इस तरह रुसवा करना, बदनामी देना, ये भी गैरत का काम है तेरे लिए? अम्मा किसी ने तो कुर्बानी, मेरी बेटी की कुर्बानी क्यों, अपनी बीवी की कुर्बानी क्यों नहीं करता? क्यों उसे गाली करके नहीं मरता ताकि यही का किस्सा यही खत्म हो जाए? अम्मा अब मुझे क्यों गालियां दे रही है? मुझे कोई कारी करके क्यों मारेगा? मैं कोई फालतू? उस दिन भी आप मुझे गालियां दे रही थी, मैं बर्दाश्त कर दूंगी, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो क्या करोगी? जो जी मैं आएगा करूंगी। आखिर मैं भी खैरुद्दीन खान की बेटी हूँ। आप मुझे इस तरह गालियां दे रही है जैसे टक्को से खरीद के लाई हूँ? आपको अपनी बेटी का एहसास हो रहा है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? बहू बेटी नहीं होती? बस करो अब, बनाए के कसर फोड़ दूंगा। बड़ा जोर का थप्पड़ मारा है, भला कब तक सोग में रहोगी? किस्मत की फूटी का ना कोई इलाज ना कोई तबीयत, सब कुछ इसी तरह चलेगा। ऐसे क्यों चलेगा और क्या? मेंढक की दुनिया कुआं, इस कोर्ट से बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं। अगर कोई दुनिया है भी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। क्यों, आखिर क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम कारी हो। तो क्या कारी की कोई मर्जी नहीं होती, कोई दिल नहीं होता, कोई ख्वाहिश नहीं होती? क्या यही काफी है कि तुम जिंदा हो,
इससे तो अच्छा था मारी जाती। इश्क में शहीद होना तुम्हारे नसीब में नहीं था, मेरी तरह। मुझे देखो, इस अंधेरी कोठरी में पड़े 40 बरस गुजर गए, इस हवेली की खिदमत करते, गालियां सुनते, पिटते, मरते। खुश नसीब हो, तुम पर खान का करम तो है। और वो जो अमीरजादी है सारा दिन मुझे जलील करती है। उसमें अमीर बीबी का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी किस्मत का कसूर है। एक थप्पड़ पड़ने पर परेशान हो रही हो, रईसों से वास्ता रखोगी तो हवेली की जुल्म तो सहने ही पड़ेंगे ना रानी जी। रोजा ओ जी, कहो कहो, क्यों चुप हो गई हो? मेरा एक काम करेगी? हाँ कहो। मेरी एक सहेली है पुष्पा। पुष्पा? चाची मर्चुमल को जानती हो? वो जो सूद और सोने का कारोबार करता है। अम्मा से पूछ लूंगी, जरूर जानती होगी उसे। हाँ उसकी बेटी है पुष्पा, वो मेरी सहेली है। हाँ तो क्या है उसे? उसे जाके कहो यहाँ थोड़ी देर मेरे पास आ जाए। अरे यदि, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? क्यों? रेस मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन क्यों? फिर पूछ रही है क्यों? कारी उसे भला किसी को मिलने देते हैं क्या? तो फिर तुम्हें शहर क्यों ना ले जाऊं घुमाने? अरे चरी, किन ख्यालों में हो तुम? ये शुक्र करो कि जिंदा बैठी हो यहाँ। मेरी मासूम बहन, कहाँ फंस गई हो तुम? हाँ तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ। क्या? बहाने से उसके घर जाके तुम्हारे सलाम पहुंचा सकती हूँ। कारी का पैगाम किसी के पास जाकर पहुंचाना है तो बड़ा जोखिम का काम, पर तुम्हारी खातिर कर लूंगी। कहीं से मुझे पेन और कागज का टुकड़ा ला दे। नहीं अति, अमीर बीबी बहुत सख्त है, वो पूछेगी तो क्या बोलूंगी उसे? और किसी से मांग भी नहीं सकती। अति अमीर का देगा? हाँ वो बहुत अच्छा है, वो दे देगा। अगर पूछे तो कह दूंगी अति कुंज से चिट्ठी लिखवानी है। अगर कहे क्या लिखवाना है मैं लिख देता हूँ तो? तो तुम उसे कहना घर की कुछ बात है, कुंज तो लड़की है ना। हाँ ये ठीक है। रोजा, रोजा। जी साईं। वो राहिल साईं को कहे, बाबा साईं बुला रहे हैं उसे। जी साईं। ओ रानी, मैं तुमसे बात करूं बाला। अमीरा ने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, एहसास है मुझे। ये क्या बहुत बने घड़ी है, तो क्या कहा मैंने बाबा? नाराज हो मुझसे, जवाब क्यों नहीं देती? क्या समझू थे इस खामोशी का? जानता हूं कि बहुत दुख हुआ है। अरे देखो ना मेरी तरफ, ऊपर क्यों नहीं आए?
खफा लगती हो मुझसे। साईं वो मैं आप ही को बुलाने आ रही थी। बड़े साईं आपको बुला रहे हैं। अच्छा साईं वो साईं वो कागर और कलम क्या? साईं वो कागर और पहले दुपट्टा तो मुंह से निकाल। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है। आप बोल क्या कह रही है। साईं वो कुंज क्या हुआ कुंज? साईं वो कलम कुंज साईं वो मैं भूल गई। साईं आराम से बताओ क्या चाहिए कुंज? साईं वो कुंज को नहीं साईं मुझे चाहिए। क्या चाहिए? साईं वो पेन और कागर। पेन और कागज? जी जी जी। क्यों? साईं वो कुछ लिखवाना है मुझे। कौन से? जी जी जी। तो इतना परेशान क्यों हो रही है? नहीं 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 तो साईं कूंज को यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं? पापा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कूंज को यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है। साईं पक्षी कभी पिंजरे में खुश रह सकता है भला? वो बेचारी तो बांधी बनकर यहाँ आई है। आप उसकी तकलीफ का क्या पूछते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है तो जा मेरे कमरे में जाओ और वहां कागज और कलम रखे हैं दो चार उठा ले। कौन से कहो कि उसे जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक क्या दे। वो तो आप दिला ही नहीं सकते साईं। क्या? इस कैद से रिहाई। तुम्हें याद तो आता होगा। जी। क्या लगता था वो तेरा रिश्तेदार था? नहीं बीबी, हमारा तो दिल का रिश्ता था। इतना शर्मा के क्यों कह रही हो? इतना तो तुम अपने खान से नहीं शर्माते। राह चलते के साथ कारी हुई तो कैसे हुआ ये सब? दिल की लगी पे लानत बीबी। तो बार बार ऐसी दिल लगी क्यों करते हो तुम लोग? क्या हुआ हाथ क्यों रुक गया? सही से साफ करो, ताकत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तीन वक्त की रोटी तो खाती हो, नजरें इधर उधर क्या मटका रही हो? काम करो। फिर क्या हुआ? आखिर कब तक इस तरह रोती रहेगी तू? इतने सारे कागज कहां से उठा के लाई हो? राहुल साईं के कमरे से लेकर आई हूँ। मैंने कहा था ना कि राहुल साईं बहुत अच्छा आदमी है, वो दे देगा। लेकिन इतने सारे, मैंने तो एक मांगा था। हाँ तो फिर क्या हुआ? राहुल साईं ने कहा कि कमरे से जितने चाहिए उठा लो, मैं ये उठा ले आई। हो सकता है तुम्हें फिर जरूरत पड़ जाए, इसीलिए ये सारे लेकर आई हूँ। ये सारे रख लो। तुमने क्या कहा उसे कि मुझे कागज कलम चाहिए? ना ना पागल थोड़ी हूँ, मैंने तो उसे कहा कि मुझे चिट्ठी लिखवानी है, मगर शायद वो समझ गया था। तुम्हारी तरह वो भी पढ़ा लिखा है ना, उसने कहा कि कुंज को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक के दे।
तेरा बड़ा ख्याल है उसे, लेकिन बेचारा। बेचारा क्यों? क्योंकि बेचारा तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। फिर इतने दावे क्यों कर रहा है? किसी भी चीज की जरूरत हो तो। हाँ हाँ, जरूरत तो वो पूरी कर सकता है, कोई भी हो। क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे वैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास, तुम सिर्फ कह दो। मेरी दोस्त को ला सकता है क्या? मेरी सहेली पुष्पा को ला सकता है यहाँ? अभी तो तुम उसकी अच्छाई के गुण गा रही थी। हाँ हाँ, वो तो है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मगर मैं वो खर्चे वर्चे के मामले में कह रही थी। ये कौन सी अच्छाई हुई? खर्च तो हर पैसे वाला कर सकता है। मगर ये मामला तो बड़ों का है, रायल साई सबसे छोटा है, उसकी बात कहाँ चलेगी? तो आइंदा उसकी तारीफें भी मत करना। एक लड़की को मुझसे मिलाने घर भी नहीं ला सकता। अच्छा कह दूं? चनला आई साईं, आई जी साईं। ये रानी को क्या हुआ? साईं कुछ भी तो नहीं, ठीक है। वो अमीर बीबी के साथ बाहर बैठी है। हाँ वो तो मैं देख आया। हाँ हाँ, ये आजकल सवेरे सो जाती है या? सुना साईं सदके वना, शायद कुछ नाराज की है मुझसे। और कोई खान है क्या उसका? जो भी हो आप हो। तो फिर नाराजगी किस बात की? सदके वना, आप तो मालिक हो, दुख तो अपनों का होता है ना साईं। बेइज्जती होगी तो दुख तो हो गई ना। ठीक हो जाएगा, तुम उसे भेज देना। जी साईं। और बीबी को कहो के खाना कमरे में भिजवाई मिले। जी साईं। देखिए प्लीज, आप मुझे गलत ना समझे, मुझे काम है आपसे। सॉरी मैं नहीं, मैं नहीं 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 प्लीज पुष्पा, देखिए वो कूंज आपसे बात करना चाहती। क्या जी? ये लीजिए प्लीज। हेलो जान, मैं फोन नहीं बंद कर रही, जब तक दिल चाहे बात करो। तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, काश मैं तुमसे मिल सकती। तुम कैसी हो और ये लोग कैसा सलूक कर रहे हैं तुम्हारे साथ? अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो वही लड़का है ना? ये वही लड़का है, रईस जमाल खान का बेटा। कैसा इत्तफाक है ये जान, तुम पे इतना बड़ा इल्जाम आया है, मैं तो इसका सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तुम दिल छोटा मत कर, ईश्वर सब अच्छा करेगा। राहिल आप बहुत अच्छे हैं, कुछ की पारत हो उसका ख्याल रखिएगा।
का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? समझ में नहीं आ रहा। इसकी क्या जरूरत है? बल्कि मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आपकी पुष्पा से आमने सामने मुलाकात नहीं करा सका। इतना भी बात है जो कुछ आपने मेरे लिए किया। मैं कोशिश करूंगा अगर कभी मुझे मौका मिला तो। आप सारा सारा दिन यूं इस कमरे में बड़ी क्यों रहती है? सैर तफरी के लिए किसी दरिया किनारे जाओ। नहीं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। आई तो मैं यहां पनाह लेने थी लेकिन कैदी बनकर रह गई हूं। क्या इसमें हम लोगों का कसूर है? नहीं, अपनी किस्मत को रो रही हूं। आपके साथ इस घर में अच्छा ही सलूक होगा, ये बात मैं तो वैसे कहता हूं। आप तो वही मिलेंगे ना कारी। सुनवान को पत्र भी सकते हैं। तुझे भी नहीं आ रही रानी? हाँ फिर फजूल में बेकरारी पालने की जरूरत है क्या? इस तरह टालने से कुछ नहीं होगा। चलो कोशिश करके देखो रानी जी, और ज्यादा परेशान हो जाओगी। तो फिर क्या करूं मासी? तो जाके मिल ले। ये नहीं होगा मुझसे। क्यों? तेरे क्यों का क्या जवाब दो मासी? तू जानती तो है। जानती हूं, इसीलिए तो कह रही हूं। ये रिश्ता है ही ऐसा, एक बार कायम हो जाए तो मरते ही टूटता है, जीते जी तो खत्म होने का है ही नहीं। मर क्यों नहीं जाती, जी क्यों रही? इस कोर्ट की दीवारें बड़ी मजबूत हैं, तुम चाहो भी तो कहीं नहीं जा सकती। और मौत तुम्हारे फंस में नहीं के चुटकी बजाते ही आ जाए। तार तुरण के तार तुरण के तार
वडेले साईं जी बाखाई जो खेड़ आओ आओ मेरे चुमा लाओ पहुंचाना साईं खेड़ में बुलाया आपने क्या पियोगे चाय या शरबत ना साईं ना भगवान की दया से खा पी कर आया हूं कष्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है बस साईं थोड़ा धंधा छोड़ कर आया हूं जरा जल्दी में हूं तुम्हारी बेटी पुष्पा कॉलेज जाती है भी हाँ सही मगर मगर क्यों क्यों सही खैरियत हाँ खैरियत ही है मिर्चू हमारे और मेहर अली खान के दरमियान फैसला हो रहा है अच्छा है अच्छा मैं अली खान के बेटे मोहसिन का कत्ल हो चुका है तुमको तो मालूम है ना हाँ सही बेचारा मासूम मारा गया पता नहीं सही कोई ना कोई कसूर तो किया होगा ना मोहसिन मेरी बहन के साथ शहर में मिलता था और तुम्हारी बेटी पुष्पा को ये सब मालूम है नहीं सही दया करें नहीं मेरी बेटी को कुछ मालूम नहीं उसे सब मालूम है और वो फैसले में यही गवाही दे रही हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी कमर वो तो घर पे नहीं है आप बाद में फोन कर लीजिएगा जी बेहतर खुदा हाफिज बाबा किसका फोन था राहिल खान के किसी दोस्त का फोन था हाँ तो बाबा मालूम तो करा दे हो सकता है वो कमरे में होता बीबी जी वो मासी जान उल नहीं आई रानी से कह दू फर्श तोले जो हैदराबाद जा रहा हूं कुछ चाहिए अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि तुम भी साथ चली चलो शॉपिंग वगैरह कर लेना मेरी शॉपिंग का अचानक कहां से ख्याल आ गया क्यों पहले नहीं करता था ख्याल वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि काफी दिनों से तुमने कपड़े नहीं खरीदे जरूरत नहीं चलो कमरा साफ करवा दिया है मैंने बहुत दिन हुए हैं तुम्हें अपनी अम्मा से मिले हुए अब उनकी याद नहीं सताती घर से निकालना चाहते हो तो साफ साफ क्यों नहीं कहते देख देख लो मैं किस कदर प्यार से बात करता हूं तो हर बात का उल्टा जवाब देती हो ये जो प्यार के मीठे बोल कभी कभार तुम मेरी झोली में डाल देते हो इन्हें अपने पास ही रखो क्या करूं मैं इनका तो क्या करूं मैं है? क्या करूं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता रहूं तंग आ गया हूं तो इस रोज की खटपट से तो
तो ये बाबा के अपने आप को संभालो, रही जाती हो वडेरी हो, कितनी बार समझाया है तुम्हें लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है। ये नौकर जाकर देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मालकिन को किस बुर्दबारी से। मालकिन ऐसी बेबस मालकिन तो किसी हवेली में नहीं होगी। इसका अपने शौहर पे कोई बस ही नहीं चलता, जो अपने शौहर को अब तक कह ही नहीं सकता। तो और किसका हुआ? बहुत सारी हिस्सेदारियां मेरे साथ इस रिश्ते में। साईं बाहर मेहमान आए, बड़े साईं का पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। शक और वहम का इलाज तो क्या बात है अम्मा, इतना शोर क्यों मचा रही है? अब भी पूछते हो कि क्या बात है? इस मासूम से झूठी गवाही दिलाना चाहते हैं अपनी बहन पर। इल्जाम साबित करो इतना आसान नहीं है। झूठी गवाही देकर कौन पराई आग में कूदेगो? ए ए खादिम हुसैन और उसको छोड़ो, बड़ा मकार है। अपनी जान बचाने के लिए वो झूठी कसम उठा ले, सर पे कुरान रख ले। मुझे आपसे हमदर्दी है। सारी रात तेरा इंतजार करता रहा बाबा, तो आए क्यों नहीं? देख मेरे सबर को नाज़, जीना हराम कर तुम्हारा तेरा। साई ने दिया, मैंने नहीं लिया। अल्लाह कसम साई, साई बोलो ना।
खुदा का वास्ता मुझे जाने दे। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? हाँ बाबा, आप ही अम्मा को समझाओ ना, हवेली जाने के लिए बहुत जिद कर रही है। अरे मेरी दी, मेरी सोनी कुंजन। कुंजन है? ओ कुंजन, क्यों मर रही है, क्यों रही जा रही इतना? और क्या खुशियां मनाऊ माँ, मिठाइयां बांटू कि मारा मियां दोबारा से इस पे बैठू? एक महीना मैंने दुल्हन घर लाई। कौन कह रही है, कौन कह रही हो तेरे के माँ ऐसा कर रहे हो? तने नहीं सुनिया अम्मा क्या कह रही हो, केम से मैं हमें खून चाहिए, मैं नवाज अली की दूसरी शादी कराऊ। बार बार धोगी तो तेरे हाथों की मेहंदी उतर जाएगी, तो फिर लगा लूंगी। आप दूसरी शादी कर लो, किस्मत में होगी तो औलाद हो ही जाएगी। दूसरी शादी? बस छोरी कारी नहीं तो रईस ने कह दियो कि मोसन के खून के एवजे में माने कूंज को दे दे, तो माँ उसे अठे कुत्तों के साथ कर। कल पहन कर, कल रात को। नहीं कह सको अम्मा, है अपने बेटे के खून के बदले में हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? क्यों थारी जिंदगी क्यों बर्बाद होने लगी? अम्मा तुम्हारी दूसरी शादी क्यों करा रही है? मैं इन्हें समझाया हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहे हो है, फजूल में परेशान मत। तो क्यों क्यों नहीं होएगा? ऐसो होएगा, जरूर होएगा। खादिम हुसैन से हम बदला लेके रहेंगे, और एवजे में उसकी वो चोरी कूंज आएगी। इधर मारो मारो प्यार।
हो बेटो मोसन, अल्लाह ने प्यार हो गयो तब तन्ने ही उस छोरी कून से शादी करनी पड़ेगी ना। सुने सुने तन्ने? हाँ हाँ, डंका की चोट पे कह रही हूँ, डंका की चोट पे। डरू नहीं किसी से, न थारे से न थारे ही। अम्मा ऐसा कहो, अरे सो हो गयो हाँ? अम्मा से कोई उम्मीद ही नहीं। ऐसा ना हो सके। ऐसा नहीं हुए तो तय सबके सामने इनकार क्यों नहीं करे? किस बात का इनकार? दूसरी शादी को और किस चीज को? दुल्हन दुल्हन, मैं तन्ने खैरात ने सदके का अनाज अलग करने को किया था। के बात है, लड़े हो दुल्हन से? मां क्यों लड़ने लगा? हाँ तो अम्मा थारी बात पर रोड़ा धोड़ा शुरू कर दी हुए। मारी बात? मारी कौन सी बात? गुलशन बता दे,